me a god. You call me a god. You call me a चैनल। सो कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जन्माष्टमी स्पेशल का थर्ड पार्ट आ गया है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मैंने बनाया था यमुना नदी वाली झांकी बनाई थी मैंने, और सेकंड पार्ट में मैंने बनाया था नंद भवन, एंड आज है हमारा थर्ड पार्ट जिसमें कि मैं बनाने वाली हूँ अपने प्यारे कान्हा जी के लिए एक प्यारा सा झूला। एंड आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। अब पसंद तो तभी आएगा ना जब कोई टंका बनाएगी। अगर अपनी शक्ल की तरह कुछ सड़ोगा सा बना के रख दिया तो कान्हा जी और नाराज हो जाएंगे। टूटू तो फिर शुरू हो गया। तुझे ना इसी वजह से मैं अपनी वीडियोस में नहीं लेकर आती हूँ। हाँ तो वैसे भी तू लाती कब है मुझे अपनी वीडियो में, वो तो मैं धोखे से चुपके से आ जाता हूँ पीछे से, वरना तेरा पास चले तो मुझे कभी वीडियो में न लाए। अब बस चुप बैठ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जन्माष्टमी स्पेशल के आगे भी और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो आप लोग मिस ना कर दे। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर दो कार्डबोर्ड के पीसेस ले लिए थे जिन्हें मैंने ऐसे गोल कट कर लिया था, और उसके बाद में दोनों को आपस में अटैच करके ना मैं इस पर कलर अप्लाई कर दूंगी। पहले मैंने व्हाइट अप्लाई किया था और उसके ऊपर से मैंने येलो कलर अप्लाई कर दिया था ताकि अच्छे से शाइन भी करे और कलर ऐसा डल ना लगे। तो आप लोग देख ही सकते हो कितने अच्छा ब्राइट दे रहा है कलर। तो यहाँ पर येलो कलर अप्लाई करने के बाद में मैंने सोचा था कि इसमें कुछ डिजाइन वगैरह बनाऊंगी, तो इसके लिए ना सबसे पहले तो मैंने सोचा एक सिंपल सा बॉर्डर बनाऊंगी। तो पहले तो मैंने इसमें तीन ब्लैक कलर से ये लाइन्स कर ली थी, और लाइन्स बनाने के बाद में इसमें फर्स्ट लेयर तो मैंने ऐसे ही खाली छोड़ दी थी। सेकेंड वाली जो थी उसमें मैंने रेड कलर से ये डिजाइन बना दिया सिंपल सा। और वैसे जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी दो तीन वीडियोस में बताया कि मतलब मुझे ना पहले से ही डिजाइन का कोई आइडिया नहीं रहता है, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बनाती हूँ ना तो वैसे वैसे मुझे समझ में आता है कि किस टाइप का डिजाइन या क्या चीज इसमें अच्छी लगी। तो ऐसा ही ना इस बार भी हुआ, धीरे धीरे मैं इसमें डिजाइन वगैरह बनाती जा रही थी और वैसे ही मुझे समझ में आ रहा था। वैसे सच कहूँ ना काफी अच्छा लग रहा था वैसे ये डिजाइन भी। और हाँ मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई थी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ उन दोनों वीडियोस के लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखे ना तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मैंने बनाया था यमुना नदी वाली झांकी बनाई थी, और सेकंड पार्ट में मैंने नंद भवन बनाया था, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो नीचे का ये बेस था ना वो तो रेडी हो गया था, सेंटर में मैंने एक मिरर भी लगा दिया था। उसके बाद में मैंने ये हाफ सर्कल शेप के ये दो पीसेस कट कर लिए थे, दोनों को आपस में अटैच करके मैंने एक कपड़े से इसको कवर कर लिया था। और अब इसके ऊपर ना मैं चारों तरफ ऐसे जो है एक पतली सी लैस ले ली है मैंने गोल्डन कलर की, सिंपल सी ये लैस ले ली है मैंने, और जिसको मैं ऐसे चारों तरफ लपेटती जाऊंगी। और इसे लपेटने के बाद में अब हम इसको थोड़ा सा और ज्यादा डेकोरेट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये मार्केट वाले ही बने हुए ये ऐसे फूल ले लिए थे गुलाब के, और ये मैंने पांच फूल लगा दिए थे, और लैस के बीच में जो गैप बच रहा था ना वहां पर मैंने ये मिरर के पीसेस लगा दिए थे। और बिना मोर पंख के तो कान्हा जी का झूला ऐसे अधूरा लगता है ना मुझे, तो वहां पर मैंने नीचे की साइड एक मोर पंख लगा के एक और गुलाब का फूल लगा दिया था। तो अब हमें जहाँ पर झूला है ना वो मतलब मेन झूला वो हमें रेडी करना है, तो उसके लिए मैंने दो पीस और ये कार्डबोर्ड के तैयार कर लिए थे, ऊपर से कपड़ा लगा दिया था। कपड़ा लगाने के बाद में मैंने यहाँ पर एक व्हाइट कलर की लैस लगा दी है और अंदर गोल्डन कलर की लैस लगाई है। अब ऑरेंज कलर की मैंने डोरी लगाई, तीन मोरपंख लगा दिए, और उसके बाद में ये जो हाफ सर्कल शेप वाला पीस था इसको हम नीचे वाले बेस से अटैच कर देंगे। और हाँ उसमें ना मैंने एक साइड से कार्डबोर्ड दिख रहा था जो सबसे नीचे वाला पार्ट था, तो वहां पर मैंने एक लैस लगा दी और झूले को इसमें लटका देंगे। तो हमारे प्यारे से कान्हा जी के लिए प्यारा सा झूला तो रेडी हो गया है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। हमारी आज की वीडियो जिसमें कि मैंने बनाया है अपने प्यारे कान्हा जी के लिए एक प्यारा सा झूला, एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया। वैसे सच कहूं ना मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अरे
अच्छा तो लगता ही। आखिर मेरा आइडिया था और मेरे आइडिया कभी बुरे होते हैं क्या? मैंने ही तो आइडिया दिया था ना तुझे कान्हा जी के ये झूले का। तूने कब मुझे ये आइडिया दिया? ये तो मेरा खुद का आइडिया है। सपने में, अरे कल रात मुझे सपना आया था और सपने में पता है मैंने क्या देखा? सपने में ना मैं तुझे कान्हा जी का झूला बनाने का आइडिया दे रहा था कि कैसे कैसे बनाना है। तो कल आने वाला है जन्माष्टमी स्पेशल का फोर्थ पार्ट, जिसमें कि हम कान्हा जी के जीवन से जुड़ी एक और नई झांकी लेकर आएंगे। तो आई होप कि आपको हमारी कल की वीडियो पसंद आई, एंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।